स्वागत है आप सभी अंगनवाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों को बता दें, फिर से समाहरणालय के द्वारा लेटर निकाला जा रहा है, आपके ICDs के द्वारा फिर से ये संचालित किया जा रहा है और नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से भी शेयर किया जा रहा है कि जो सेविकाएँ सहायिकाएँ अब जल्द से जल्द अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आएगी, उन पर अब उचित कार्रवाई किया जाएगा। और उचित कार्रवाई क्या होगा ये आप लोग भली बात ही जानते हैं कि चयन मुक्ति का आप लोगों को पत्र सौंप दिया जाएगा और सौंप भी दिया गया है। बहुत सारे राज्य, बहुत सारी परियोजना में सभी सेविकाओं को वहाँ से चयन मुक्त कर दिया गया है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि हम लोग आप लोगों को डराने के नोटिफिकेशन ये शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, जो सच्चाई न्यूज आता है, हम आप सभी के साथ शेयर करने का कर्तव्य करते हैं। क्योंकि अगर आप सभी को शेयर नहीं करेंगे, यदि आप पर कार्रवाई हो जाता है, तो आप लोग सोचिएगा कि जो नोटिफिकेशन आप लोग को शेयर करना था नहीं की। इसलिए हम लोग आप सभी के साथ शेयर करना ये उचित समझते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके हित में ही है, आप लोग समझिएगा। देखिए, समाहरणालय मधेपुरा से ये प्रकाशित किया गया है, भले ही इसमें आप सभी को चोट लायक बात बोले गए हैं, जैसे कि आप लोग समझिएगा। ये देखिए, नोटिफिकेशन 22 तारीख को ही जारी किया गया, यानी कि कल ही नोटिफिकेशन ये शेयर किया गया है, कल ही यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। आप लोग को बता दें, आप समझिएगा इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये नोटिस है, इस प्रकार का बनाया गया है, एक प्रकार का नोटिस है जो कि आप सभी को पेपर के माध्यम से भी मिलेगा देखने को। आपके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का ICDs का लेटर भी इस प्रकार से मिलेगा और ये आपको सख्त आदेश है। देखिए, विषय यहाँ पर आप लोग को साफ तौर के बोल दिया गया है कि हड़ताल से वापस आने के संबंध में, यानी कि आप लोगों को हड़ताल से वापस आने के संबंध में ये है। सभी सेविकाओं एवं सहायिका मधेपुरा जिला निदेशालय द्वारा सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जी द्वारा पूर्व में ही दो बार आप सभी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल से वापस आने, अपने कर्तव्य पर वापस आने, यानी कि योगदान देने के लिए आप लोगों को चेतावनी दी गई थी, किंतु अन्य सभी अब तक हड़ताल से वापस नहीं आए। मतलब कि आप सभी को दो या तीन बार, यानी कि आप सभी को ICDs के द्वारा भी आप लोगों को बहुत बार ये सूचना दे दिया गया कि आप अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं, और आपके समाहरणालय के द्वारा भी आप लोगों को दो बार नोटिफिकेशन दे दिया गया है, आप लोगों को आदेश दिया गया है कि अपने कर्तव्य पर वापस आ जाइए। लेकिन आप सभी ने अपने हठधर्मी को नहीं त्यागा है और अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आए। अब यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है तो सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा भी आप लोगों को दो बार हड़ताल से वापस आने हेतु नोटिफिकेशन दिया गया है, तथा विभाग द्वारा ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप सभी को प्रकाशित किया गया था कि आप लोग अपने कार्य पर लौट जाएं। समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि VC के माध्यम से ये सख्त निर्देश प्राप्त हैं कि विभागीय निदेशालय के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रथम अगर जो सेविका सहायिका अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आते हैं, उन पर चयन मुक्ति का कार्रवाई किया जाए। यानी कि जो सेविका सहायिकाएँ अपने कार्य पर नहीं लौटती है जिस भी परियोजना से, उन पर डायरेक्टली आपको चयन मुक्ति का प्रमाण पत्र सौंप दिया जाए। उन सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति का प्रमाण पत्र देके उनको कार्य से हटा दिया जाए। ये सख्त आदेश प्राप्त है आपके परियोजना पदाधिकारी को, CDPO पदाधिकारी को यह सख्त आदेश प्राप्त है कि जो सेविका सहायिकाएं अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आती हैं, उनको अब अपने हाथ से आप हैंडल कीजिए, उनको चयन मुक्ति का प्रमाण पत्र सौंप दीजिए। देखिए, आप लोगों को ये सख्त निर्देश और भी किस यानी कि डेट, आपको आखिरी डेट क्या दिया गया है ये आप लोग समझिएगा कि लास्ट डेट आप लोगों को कब तक दिया गया है। देखिए, वर्णित है, आप लोगों को बोला गया है, वर्णित परिक्षेप में निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 23/11/2023, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 23/11/2023 यानी कि 23 तारीख 11/11/2023 को सुबह 10:30 बजे तक आप सभी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल से वापस आने का कर्तव्य का योगदान देने का सुनिश्चित करें, अन्यथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई, चयन मुक्ति की अनुशंसा के आधार पर हड़ताल पर सेविका सहायिका को चयन मुक्त करते हुए को प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। यानी कि जो सेविका सहायिकाएँ आज नोटिफिकेशन आपको आज ही हम सेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये लेटर है ये कल निकला था 22 तारीख को, और आज आप लोगों को सख्त 24 घंटे का आप लोगों को आदेश दिया गया है कि आप लोग 23/11/2023 10 बजे तक, यानी कि सुबह के 10 बजे तक ही आप सभी को बोला जा रहा है। अगर आप लोग 1-2 घंटा लेट भी जाते हैं तो कोई नहीं, अगर आप लोग हड़ताल से वापस जा रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग को बोला गया कि अपने कर्तव्य पर लौटिए जाके। नहीं तो अगर जो सेविका सहायिकाएँ इस पर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी अपना योगदान नहीं देती है, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर बोला गया कि आपके प्रोग्राम पदाधिकारी को कि आप लोगों को चयन मुक्ति का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और ऐसा हो भी चुका है, बहुत सारे जिला में चयन मुक्ति का कार्यक्रम जो है स्टार्ट हो चुका है, लिस्ट बना बना के सभी सेविकाओं को चयन मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अब चयन मुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद सेविकाओं का क्या होगा, अगर वो हड़ताल से वापस चली भी आती है तो वो कैसे ज्वाइन करेगी, इसकी प्रशंसा जो है ये अलग लेटर निकालेगा, आपका संघ निकालेगा या आपके
समरालय से ही लेटर निकलता है, तो आप सभी को सूचित किया जाएगा कि जो चयन मुक्ति ले लिए हैं उनको किस प्रकार से फिर से उनको अपने पद पर वो किस प्रकार से फिर से वो ग्रहण कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको फिर से दिया जाएगा, हमारे चैनल से बने रहिएगा, आप लोगों को मिलते रहेगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए ये लेटर कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर प्रतिलिपि किनको किनको भेजा गया ये समझिएगा आप लोग। देखिए प्रतिलिपि बोला गया सभी महिला पर्यवेक्षिका ICDS मधेपुरा जिला को सूचनार्थ किया जाता है, यानी कि आपके समरालय मधेपुरा में जितने भी महिला पर्यवेक्षक हैं, जितने भी ICDS के अधिकारी हैं, सभी को ये लेटर प्रकाशित करके प्रतिलिपि दे दिया गया है। अगर सेविका सेविका अपने कर्तव्य पर नहीं लौटती है तो उन पर ये कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद देखिए दूसरा में भेजा गया प्रतिलिपि सभी संबंधित बाल विकास पदाधिकारी मधेपुरा, यानी कि जितने भी DPO जितने भी बाल विकास पदाधिकारी हैं सभी को ये प्रतिलिपि भेज दिया गया है। यहाँ पर देखिए जिला सूचनार्थ एवं संपर्क पदाधिकारी, यानी कि आपके BDO को भी भेजा गया है एवं जो न्यूज़ पत्रकार माध्यम से जो शेयर करते हैं उनको भी प्रकाशित करके ये भेजा गया है कि न्यूज पेपर के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाए एवं सभी जिला प्रधान पदाधिकारी मधेपुरा सूचनार्थ किया जाता है एवं आयुक्त कोसी प्रसंग रहतास एवं शासक सूचनार्थ समर्थित किया जाता है एवं प्रतिलिपि निदेशक ICDS या ICDS को भी भेजा गया है, क्योंकि ICDS के द्वारा ही नेटर भेजा गया है कि आप लोग अपने परियोजना में कार्रवाई किया जाए, तो उन्होंने भी किया कि हाँ देखिए हम लोग इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके समाज कल्याण विभाग यानी कि मदन सहनी को भी ये लेटर भेजा गया है कि हम लोग ये कर्तव्य कर रहे हैं, हम लोग भी इस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे आप लोग दिखाते हैं कि इसके कारण आप देखिए अब यहाँ पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के द्वारा एक लेटर प्रकाशित किया गया है। ये देखिए बोला गया सेवा में श्रीमान पदाधिकारी यहाँ पर भेजा गया है शाहपुर से एवं बोला गया है विषय दिनांक 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल से वापस आने के संबंध में। अब देखिए ये हड़ताल से वापस आ चुके हैं, अपने कर्तव्य पर लौट भी चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो जिससे प्रकाशित किया गया नोटिफिकेशन उसी से है, इनको भी इसी प्रकार से नोटिफिकेशन अल्टीमेशन दिया गया है जिससे ये अब डरे हैं। जो भी हो इनका ये निर्णय है कि हम अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि सरकार का द्वारा कहीं भी आप सभी के जो मांग है वो कहीं पर आप सभी को नहीं सुना गया है, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। या तो इनकी मजबूरी होगी या तो इनको अल्टीमेशन के माध्यम से जो भी धमकाया जा रहा है। तो जैसे भी आप लोग को पहले भी बताएं कि बहुत सारी सेविकाएँ अपने कर्तव्य पर से वापस आई है और बहुत सारी सेविकाएँ जब देखिए कि संघ हमारा जो कुमार विदेश्वर सिंह का संघ खड़ा है तो फिर से वो हड़ताल पर चली आई है। ऐसा हो सकता है ये जो भी आप वापस आए हैं ये फिर से अपने कर्तव्य पर आ सकते हैं, अपने हड़ताल पर भी आ सकते हैं, ऐसा लगाई जा सकती है। लेकिन अभी ये प्रेजेंट में बताएं तो अभी ये हड़ताल से वापस चले गए हैं, अपने कर्तव्य पर लौट चुके हैं। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। लेकिन आप सभी को न्यूज़ देना यह हमारा कर्तव्य था। आप सभी को बुरा लगे या जो भी लगे हमारा ये कर्तव्य था, हमने निभाया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।